यही रोक दो बेटा। कितना दो? 26 हो गया। शुक्रिया। हाँ। ए मामा, कल के पेपर में तू आपन के बारे में क्या छापा रे? अरे चार, नहीं क्या? तुम्हें जरूरत क्या थी मट्टू भाई से उलझने की? मुझे तो डर लग रहा है, यहाँ का माहौल भी ठीक नहीं है। बोलो चरण, तुम्हें डर लग रहा है? बेटा कभी डरना नहीं, जिंदगी को डर के नहीं हिम्मत से जिया जाता है। मेरी बात याद रखना। क्यों रे रिक्शा, तूने क्या सोचा? तू चिल्लाएगा तो पुलिस आप उनको अंदर डाल देगी क्या? समाज सेवा का बहुत नशा चढ़ गया तेरे को, हा? अब चिल्ला, बहुत जोर से चिल्ला, पुलिस पुलिस पुलिस। लक्ष्मी, छोड़ दो उसे। लक्ष्मी, किसी भी तरह मेरी भाभी को बचा लीजिए। पर पैसों के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। उस मासूम को देखिए, वो पूरी तरह अनाथ हो जाएगा। बचा लीजिए। आई एम सॉरी सर। डॉक्टर ने कहा है कि ऑपरेशन में बहुत ज्यादा पैसा लगेगा और हमारे पास तो पैसे हैं नहीं। अब तो किसी करोड़पति वाले प्रोग्राम में ही जाना पड़ेगा। मैं जाता हूँ ना उस प्रोग्राम में चाचा जी। पढ़ाई लिखाई तो तुझसे होती नहीं। चाचा जी प्लीज किसी तरह माँ को बचा लीजिए। प्लीज चाचा जी, मैं अपने हाथ जोड़ता हूँ। चाचा जी कुछ कीजिए ना, कुछ कीजिए। यही लोग तुम्हारी माँ के ऑपरेशन के लिए पैसे देंगे, बदले में तुम्हें अपने साथ ले जाएंगे। अब से तुम्हें इनके साथ ही रहना होगा बेटा, और जैसा ये कहें वैसा करना होगा। चरण, इसके बाद तुम अपनी माँ से नहीं मिल पाओगे। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है बेटा। माँ, अब तो जल्दी ठीक हो जाएगी माँ।
तुम्हारी माँ की जिंदगी इन्होंने ही बचाई थी। नमस्ते। चरण, ये जो सामने बैठे हैं, इनका बेटा भी तुम्हारी उम्र का है। एक दिन ना वो असली रिवॉल्वर से खेल रहा था और वॉचमैन पर गोली चल गई। वॉचमैन उसी वक्त मर गया। ये जुर्म तुम्हें कबूल करना होगा। तुम्हें अपनी माँ को बचाना है ना। जुर्म कबूल करने से माँ ठीक हो जाएगी? सिर्फ जुर्म कबूल नहीं करना, मैं जो भी कहूंगा करना होगा। कोर्ट में तुम्हें जज के सामने क्या कहना होगा वो सब मैं तुम्हें समझाऊंगा। कह पाओगे? अंकल मुझे बहुत डर लग रहा है अंकल। अपनी माँ की जान बचानी है ना। जो मैं कहूंगा वो करोगे? कोर्ट में जाओगे? जेल भी जाओगे? क्या आरोप है इस पे? मर्डर केस। कहाँ है तेरी माँ? मेरी माँ हॉस्पिटल में, मुझे उनसे मिलने जाना है। प्लीज अंकल जाने दो ना अंकल, प्लीज प्लीज अंकल। चल चल चल, मुझे पास कर, मुझे पास कॉल पास कर मेरी माँ। चल रहे हैं? एक खूनी पीछे। रुक बे। मेरी माँ मुझसे मिलने आई थी क्या अंकल? क्या अम्मा अम्मा करके दिमाग खराब करता है? कौन जाने तेरी माँ जिंदा भी है या मर गई। मैं ये समझ चुका हूं, जहां अपना हक ना मिले वहां हक छीनना पड़ता है। सब ठीक है ना? तू दांत क्यों दिखा रहा है बे? ओ क्या है ना सर, आज मेरा 16वां जन्मदिन है तो मैं जेल में एक छोटी सी पार्टी करना चाहता हूँ। पार्टी? हाँ। जेल में पार्टी? आपकी एक छोटी सी हेल्प चाहिए। क्या? सेल नंबर 14 में 4 कैदी हैं। तो उनकी हड्डी पसली तोड़कर पुराना हिसाब किताब चुकता करना है मुझे। हलवा है क्या? चुपचाप निकल यहाँ से, चल। तू बीच में टांग क्यों अड़ा रहा है? उन कमीनों ने कुत्ते की तरह मारा था मुझे, सर से पूछ। हमारे खिलाफ आवाज उठाई तो दुनिया से उठा देंगे। सर उंगली करने का एक चांस दे दीजिए सर। ये सब कहाँ करेगा? उन्हीं की सेल में सर। आप बस बाहर से ताला लगा के वहाँ से 9-2-11 हो जाइए। मोमबत्ती की शक्ल में अगरबत्ती, कहीं तेरी बत्ती ना बुझ जाए। उनकी बत्ती तो मैं बुझाऊंगा, जन्मदिन के साथ दिवाली बोनस भी दूंगा। कहीं तुम्हारे रॉकेट ना उड़ जाए, दरवाजा कल सुबह खुलेगा। फिर तो एक टिकट में डबल शो हो सकता है सर। जा, हो जाएगा। अच्छा सुन, जेल राजी हो गया है, पर ध्यान रहे तेरी शक्ल कोई ना देख पाए। उन सालों को फोड़ के रख देना, ऐसा मारना ना खा सके ना धो सके। वाह।
ए, इधर कैसे आया? कौन है तू? चर्बी चढ़ी है तेरे को, चल बाहर, आजा आजा, आना, आजा आजा आजा। पता है पूरे 12 साल मैंने जेल से बेसब्री से रिहा होने का इंतजार किया, लेकिन तुझसे भी तो मिलना था ना, पुराना हिसाब जो चुकता करना था, इसीलिए मैं रुक गया। अब और कंट्रोल नहीं होता। सुबह दरवाजा खोलने तक अपन यही है। एनी टाइम किसी को भी मार खानी होना तो अपनी दुकान खुली है, समझा जाने। अगर वहां जाके अपना मुंह खोलाना तो डंडे से मारूंगा, अंडा चोर सर। तुम्हारी सूरत पर ये 4 चांद किसने लगाए हैं? किसने मारा? धोते समय बाथरूम में गिर गया था सर। किसी ने धमकी दी है? नहीं सर, हम बाथरूम में फिसल गए थे, हमें जाने दीजिए। हेलो सर। तुम्हें क्या लगता है मैं जानता नहीं हूँ उन्हें किसने मारा है? मैं तुम्हें एक बहुत ही अच्छा इंसान समझता था। तुम करना क्या चाहते थे? क्या सर, मैंने इन 12 सालों में गांधी जी की किताब पढ़ी है और मुझे उसमें लिखी हर बात याद है। मारा मारी तो मैं बिल्कुल नहीं कर सकता, अब तो मैं एक मच्छर के साथ भी हिंसा नहीं करूंगा। ओके, चलता हूँ सर। जेल की इस नौकरी ने मुझे सिखा दिया है कि कौन गांधी है और कौन हिटलर। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर। सीधे अपने घर जाओ, अब एक अच्छा इंसान बनना है तुम्हें। हाँ बिल्कुल सर।
ऑल द बेस्ट, मिलते हैं। भाई अपुन के अंदर जाते ही बाहर का माहौल बदल गया है। शुरुआत कहां से करें? पहले माँ से मिलते हैं यार। तुझे घर तो याद है ना? हाँ छोटे इधर ही था। तुझे पूरा यकीन है ना? हाँ यकीन तो है, लेकिन सब बदला बदला लग रहा है यार। एक काम करते हैं, वहां चलते हैं। वहां पे स्कूल था, यही होना चाहिए। एरिया यही था ना? हाँ यार। अरे यार यहाँ पर तो मंदिर था। अरे कोई है क्या? किससे मिलना है बेटा? देखिए आंटी यहाँ पर मेरी माँ रहती थी, उनका नाम लक्ष्मी था। हाँ। आप जानती हैं वो कहाँ रहती हैं? नहीं मालूम बेटा, हमने 10 साल पहले ये मकान बनाया है। उनके पति ऑटो चलाया करते अच्छा, थे और वो अकेली रहती थी। आंटी सच्ची बताइए ना, आप उनके बारे में जानती हैं? मैं नहीं जानती बेटा। जा सकते हैं वरना वो ट्रेन से जाएं, वही ठीक रहेगा। जी सर। तुम्हें कहाँ जाना है? माँ से मिलना है। क्या कहा? मेरी माँ कहाँ है? तुम जेल से कब छूटे बेटा? आज ही छूटा, सीधा घर गया था। जाकर देखा तो वहां माँ नहीं है। कहाँ है मेरी माँ? तुमने अपनी माँ के लिए जो कुर्बानी दी थी वो बेकार चली गई। तुम्हारे जेल जाने के बाद तुम्हारी माँ भी चल बसी। सेठ जी ने तुम्हारी माँ के इलाज में पैसा पानी की तरह बहा दिया, मगर उसका कोई फायदा नहीं हुआ। तुम्हारे पिता का गम अभी हल्का नहीं हुआ था, इसलिए मैंने नहीं बताया। मुझे माफ कर दो। टिकट हो जाने के बाद मना कर दोगे तो मैं क्या करूंगा? पैसा तुम्हें देना पड़ेगा। साला बात करता है। गुड मॉर्निंग। आगे क्या करना है सोचा तुमने? कुछ सोचा नहीं है। वैसे बैंकॉक की किसी ट्रेवल एजेंसी में एक जॉब है। जिस लड़के को भेजना था उसने मना कर दिया है, क्या तुम वहां जाना चाहोगे? मैं जाऊंगा सर। पासपोर्ट है? वो तो नहीं है। एक काम करो, किसी पुलिस ऑफिसर की सिफारिश ले आओ, पासपोर्ट जल्दी बन जाएगा। जेल सुपरिटेंडेंट अपने साथ गोटियां खेलता था। काम हो गया? ट्राई करता हूँ। प्रोग्राम काम हो जाएगा। और इसको जीतो। ये रोड पर पैदल चलने वाले हमेशा कार वालों से जलते हैं। साले सभी एक से हैं।
अगर साइकिल वाला स्कूटर वाले को टक्कर मारे तो दोष स्कूटर वाले का, स्कूटर वाला कार ठोके तो भी कार वाला ही दोषी होगा, कार वाला ट्रक को ठोके तभी गलती कार वाले की नहीं होती। बिल्कुल, ट्रेन अगर प्लेन से टकराए तब भी गलती प्लेन की। गलती चाहे छोटी गाड़ी वाले की ही क्यों ना हो, लेकिन हमेशा बड़ी गाड़ी वाले को ही दोषी ठहराया जाता है। अगर सामने से छोटी गाड़ी आती दिखे तो साइड में कर लो अपनी गाड़ी, अगर नहीं की तो भुगतना हमें ही पड़ेगा। और ये गरीब लोग, ये तो हमेशा से ही हम अमीरों की शानो शौकत से चलते रहे हैं। बिल्कुल, क्या हमने कभी किसी गरीब को कोई तकलीफ पहुंचाई? नहीं सर, कभी नहीं, नेवर। बेटा, इन साले मजदूरों की सोच ही ऐसी होती है। एक काम करो, जब भी वो तुम्हें दोबारा दिखे उसे बिंदास ठोक देना, उसका हम शक्ल भी हो तुम बस ठोक देना, बाकी मैं संभाल लूंगा। सर जी, उसे ठोकना है तो दुबई में फोन लगाकर बोल दूं, वो ठोक देंगे। अपना दिमाग मत चला, जा ढूंढ उसे। सुपरिंटेंडेंट साहब हैं क्या? नहा रहे हैं, थोड़ा इंतजार करो। चले। सुपरिंटेंडेंट अपन को देखते ही खड़ा होकर सलूट मारेगा। पहचानो? अरे कौन है यार? गैस तो करो। कौन है यार? हे, नो चीटिंग। संजना, कैसी है तू? क्या यार, अपने भाई के साथ मस्ती भी नहीं करने? पर वो तो मेरा भाई है ही नहीं। क्या कहा? ये रोहित नहीं है? नहीं तो ये लोग डैड से मिलने आए हैं। I'm so sorry। नहीं, अच्छा लगा। हाय यार। हाय। बिल्कुल ठीक हो, तुम कैसी हो? ठीक हो भाई, तुम? आपके आने से जस्ट पहले। तुम्हारे डैड कैसे हैं? डैड ठीक हैं। अच्छी बात है, चलो तुम सब अंदर जाओ। ओके डैडी। नमस्ते सर। भाई कैसे हो? बिल्कुल ठीक। यहाँ घर पे क्यों है? वो क्या ना सर, मुझे बैंकॉक में नौकरी मिल रही है लेकिन पासपोर्ट की थोड़ी प्रॉब्लम है, अगर आप कुछ हेल्प करते तो। पासपोर्ट बनवाना आसान काम नहीं है, और तुम जेल भी जा चुके हो, तुम्हें मुश्किल होगी। पासपोर्ट ऑफिस में आपका फ्रेंड है ना? ये तुम्हें किसने बताया? उस दिन आप ही ने तो नशे में कहा था। क्या बोल रहे हैं यार? नशे में तुम खुद रहते हो और उल्टी सीधी बातें करते हो। नाराज मत होइए, हम कल मिलने आते हैं। वो क्यों? सर, हरीश की जमानत के पेपर। हरीश, गुड मॉर्निंग सर। कैसे आना हुआ? मैं आपको पासपोर्ट दिखाने आया। क्या पासपोर्ट? एक ही दिन में किसने दिया तुम्हें? बाजार में सब कुछ होता है सर, थोड़े पैसे दे दो काम हो जाता है। इससे मैं बैंकॉक तो जा सकता हूँ लेकिन सही तरीके से जाना है। ओरिजिनल पासपोर्ट बनवा दीजिए ना। आखिर तुमने मेरा दिल जीत लिया। हे सर, इसकी डिटेल्स ले लो और मेरे घर के एड्रेस पर इसका पासपोर्ट अप्लाई करो। जी ठीक है सर। ठीक है? बहुत बहुत शुक्रिया सर। क्या बाबू, तुम्हारे सारे पेपर तैयार है ना? है ना? साथ में 3 पासपोर्ट साइज फोटो लेंगे। मेरे? नहीं तो क्या मेरी बीवी के? वो सारे कागजात लेकर मैं पासपोर्ट ऑफिस चला जाऊंगा और सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करूंगा, समझ गए? ए, जानता भी है, वो साहब की बेटी की सहेली है। मेरी बात मान, राखी बंधवा ले। सुन, ऐसी नजर से दिखेगा तो पासपोर्ट कट जाएगा। बैंकॉक में कहाँ जॉब करोगे? एक ट्रैवल एजेंसी में। ट्रैवल एजेंसी में? हाँ सर। गुड, ये लो तुम्हारा पासपोर्ट। थैंक यू सर। थैंक्स की जरूरत नहीं, पासपोर्ट पर मेरा एड्रेस है। गलत काम मत करना। जरूर सर। चलता हूँ। ऑल द बेस्ट। ओके। ये देख छोटे, असली पासपोर्ट। तो फिर चलो पार्टी करते हैं। अब तो मैं बैंकॉक जाऊंगा प्लेन से। एक प्रॉब्लम है यार, जाने से पहले तेरी भाभी से मिलना है मुझे। मिलना है? वो भी भाभी से? अरे मिलना मिलना छोड़, उसे भी अपने साथ ले जा। अरे क्या बोल रहा है, उठा के ले जा। ये देख ले, होने वाली भाभी का शीश महल। माइका जय किशन, इस पे तो म्यूजिक का भूत सवार है, इससे तो बाटली में उतारना बहुत ही आसान होगा। चल भूत उतारे। यही है क्या? यही वो हीरा सर जिसकी आपको तलाश थी। क्या हुआ? मधुर भंडार करके छोटे भाई। नमस्ते सर। एक्टिंग के बारे में क्या जानता है तू? मिमिक्री कर लेता हूँ, म्यूजिक में भी अच्छी पकड़ है। म्यूजिक नहीं। छोटे मधुर जी, एक मिनट, मिनट पर फिल्म बना रहे हैं। भूतनी के? तू भूतनी का? जानता है, दुनिया की रक्षा करने वाला सुपरमैन, स्पाइडरमैन, इसने लोगों की रक्षा करना कहाँ से सीखा? मुझसे। अच्छा? उन सब के अंदर मेरा खून दौड़ा है, मैंने उन्हें ब्लड डोनेट किया था। दुनिया में वॉचमैन कितना फेमस है जानता है? अभी पता चला। हिल गया ना? एकदम हिल गया। थैंक यू। सर का मूड बन गया, पेन और पेपर ला, सर स्क्रिप्ट लिखेंगे। बैठिए, इधर ही रख दिया, रोड पे बिठाएगा। अरे कोने में ले चल, कोने में। आइए ना सर, आइए आइए, यहाँ बैठिए, ये लीजिए, आराम से बैठकर रात भर लिखिए। साहब भी घर में नहीं है। वो सोचने दे और मेरे साथ बाहर चल, तुझे जो भी आता है मुझे करके दिखा। अब बैठो बैठो। सर, स्क्रिप्ट तो जल्दी पूरी हो जाएगी ना? बचपन से लिख रहे हैं। वैसे एक्टिंग तो तेरी कमाल की, लेकिन ये बता, तुझे ठीक से बजाना तो आता सर, है ना? सर, म्यूजिक तो मेरी रग रग में है। एक पुराना गाना सुनाऊं, वो भी रिमिक्स करके? हाँ।
मार ही डालोगे। अब इसी गाने का मैं आपको रिमिक्स सुनाता हूँ। अच्छा हजार रुपए का गाना था। शुक्रिया। फंटास्टिक। इस गाने की तो रिंगटोन बननी चाहिए। रिमिक्स का रिमिक्स सर। सुना, शुरू हो जा। सुनिए। सुना। ऑडिशन कब लेंगे? एक्टिंग बाद में, पहले काम पे ध्यान दे। भाभी दिखी गया? दिख गई। बैंकॉक से गिफ्ट लाना। सर, चरण मैं हूँ सर। ओ हाय चरण। हाँ मैं उत्तेज, हमारा ऑफिस उस बिल्डिंग में है। अरे गणेश। हाँ हाय। हाय। अरे बबलू चरण मिलो। हेलो गुड मॉर्निंग चरण, बैंकॉक टू वेलकम। हाय सर, गुड मॉर्निंग, नाइस टू मीट यू। आप मेरा नाम जानते हैं? हम साथ करते हैं, जो लोग हमेशा याद रखना चाहिए नाम उनके, तो सेंस कॉमन है ना। अब मेरा बताओ नाम। सॉरी सर। काम करने आए हो मेरे साथ और इतना भी पाए नहीं समझ तुम? नए ऑफिस में हर जगह हालत एक ही जैसी होती है, करो कोशिश और जान लो नाम मेरा। ओके सर। लापरवाही कहलाती है ये, और ये हमारे यहाँ नहीं चल पाती। बॉब है नाम मेरा, इंडो बैंकॉक कंपनी का बॉस कहलाता हूँ मैं। यहाँ तुम्हारा काम होगा कि तुम्हें आने वाले सारे टूरिस्टों को घुमाना होगा, सिर्फ घुमाना। शहर में बहुत है ब्यूटी, लेकिन सिर्फ घुमाना है तुम्हारी ड्यूटी। भगवान है मेरे लिए कस्टमर, और उनकी खुशी के लिए मैं कर सकता हूँ स्टाफ का मर्डर भी। ये बात मैं से समझा चुका हूँ। मैं तुम्हारी समझ से समझ सकता हूँ कि तुमने क्या समझाया होगा। यही कहा होगा कि मैं इमोशनल हूँ। नहीं सर, ये तो तारीफों के पुल बांध रहा था। यूं पुल बांध के मुझे मत चढ़ाओ, मैं सब समझता हूँ, मुझे मत समझाओ। अब चलो बहुत होगी उड़म धुड़म, जाओ दिखाओ जाके इसे अपना रूम। अपना बस दिल का अच्छा है, पर शौकीन नहीं है। इस इलाके को सुकून भी सोई कहते हैं, यहाँ की भाषा में सोई यानी के सड़क। आजा, और ये है हमारा सर्विस अपार्टमेंट, कंपनी इसका भाड़ा भरती है। चलो अच्छा। कभी कभी हम यहाँ पे लड़कियों को भी लाते हैं, अगर उनकी मर्जी हो तो। फिर मर्जी हमारी। तुम अच्छा। लाने से एक दिन पहले मुझे बता देना, वरना मुझसे शेयर करना होगा। और अगर मैं यहाँ लड़की नहीं लाया तो मुझे तो कोई खतरा नहीं ना? नहीं यार, मैं दोस्तों पे बुरी नजर कभी नहीं डालता। थैंक यू। देख लिया, अब चले। चरण, ये पैकलैंड स्ट्रीट है, ये थाई बॉक्सिंग के लिए बहुत मशहूर है। चल वहां देखते हैं। चल ऊपर चलते हैं। अबे! अरे देख के चलना। अंधा है क्या? सॉरी बोल, सॉरी बोल। बोल दे चरण। क्यों बे अंधे, अभी आंखें खुल गई तेरी? आंखें नीचे कर, आंखें नीचे, बोला ना। क्या मैं तेरे को आइटम दिख रहा हूं? आंखें नीचे।
तेरे जैसे कितनों की आंखें निकाल के आई बैंक बना चुका हूँ, जो बोला है कर। ए डेढ़ पसली, तेरे को नहीं बोल रहे, लाओ काम हो गया कि नहीं ये बता तू मेरे को। शांत हो। अरे माल पहुंचा के नहीं? पैसा बाद में, माल पहले, बाकी का सब मैं संभाल लेगा, मेरे पे छोड़ दे। ए किधर गया वो, किधर गया वो? जाने किसने कहा था तुम्हें वहाँ पे? राउडी बनने आए हो या काम करने? राउडीज वहाँ झूमते हैं, हर तरफ गैंगस्टर्स घूमते हैं, उनमें से कोई तुम्हें गोली भी मार देता, यकीन मानो कोई तुम पर ध्यान भी नहीं देता। अब मुद्दे की बात पर आते हैं। फैक्ट से पता चला है कि हैदराबाद से एक रईस कस्टमर कार्तिकेय जी, उन्होंने ही अपनी बेटी के साथ कुछ फ्रेंड्स हैं भेजे, इनसे हमारा रिश्ता पुराना है, याद रखो इन बच्चों को तुम्हें बड़ी हिफाजत से सिर्फ घुमाना है। थैंक यू बॉब, नाम है मेरा, खिदमत में सेवा हाजिर है। मिस्टर बॉब, आप तो पोर्टेबल साइज के निकले, सुना था आप लंबे चौड़े। पहले फुल साइज का था, किस किस के पोर्टेबल बन रहा है। फोन आ, थैंक यू। ओ बॉस, सर सर सर, बस अभी प्लेटफॉर्म पर पहुंचे हैं। क्या कहूं, चार चांद लग गए बैंकॉक की शान में सर, संजना बेबी के कदम जो पड़े हैं यहाँ पर। शक्ल से तुझे ये मैनेजर लगता है, घर की है पक्का। अर्ज किया है सर कि कदम तुम्हारे पड़े जहाँ पर फूल और कांटे खिले। हेलो मैडम, वेलकम टू बैंकॉक। ये नमूने कौन है? ये आपके बॉयज है मैम, सर्विस में आपके लिए 24 घंटे, चाहे आप इन्हें यूज कीजिए, अब्यूज कीजिए, कुछ भी कीजिए। मैं पूरा ख्याल रखूंगा सर। ये लो। हाँ सर, बस कूली का काम करो। मैडम स्लो मार्च के स्टॉप फॉरवर्ड। चलो गर्ल्स, रखता हूँ, इंटरनेशनल रोमिंग में हूँ ना सर। उसका बैग उठा रहे, सही बोल रहे हैं। बाकी बैंकॉक की वेदर रिपोर्ट मैं आपको समय समय पर देता रहूंगा सर, आप छतरी भिजवा दीजिएगा। बाय सर। ध्यान दिया है कि आपको बेस्ट सर्विस मिले मैडम। वाओ, बाहर से तो काफी अच्छा दिख रहा है। रूम्स ठीक से साफ तो करवा दिए है ना, और बड़े तो है ना, मैडम को छोटे अच्छे नहीं लगते। कबड्डी खेल सकते हैं, इतने बड़े हैं। चलो वहाँ चलते हैं, मजा आएगा यार। कुछ नया दिख रहा है ना। सुनो छोटू। ये सर, इस पूल में कितने लोग आ सकते हैं? छोड़कर आपको, सब लोग। क्या मतलब है, मुझे छोड़कर? क्यों? क्योंकि आप कूदोगे तो सारा पानी बाहर आ जाएगा। नहीं छोटू, मैं पानी में नहीं कूदने वाला, क्योंकि अगर मैं पानी में कूदूंगा तो मुझे ठंड लग जाएगी। मतलब पूल गंदा होने से। ओ, अच्छा एक बात और। जाओ अपने अपने रूम्स के हीटर ऑन कराओ। हाय डैड, रूम तो अच्छा है मगर स्विमिंग पूल रूम से अटैच नहीं है। ए सुनो, जरा रुको डैड, आई विल कॉल यू बैक। ये टिप रखो। मुझे नहीं चाहिए। हे, मैं टिप दे रही हूँ, रख लो। नहीं मुझे नहीं चाहिए। क्यों भाई, बहुत कम है क्या? ओके okay. ये लो रखो। मैं टिप नहीं लेता। क्यों, मम्मी ने मना किया क्या? हाँ, मुझे ये पसंद नहीं। और ज्यादा दे देती हूँ, ये 10,000 baht हैं। उठाओ इन्हें। पैसों का इतना गुरूर करेंगी तो एक दिन भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। डैड, इस ट्रैवल एजेंसी का वर्कर मेरी टिप नहीं ले रहा है। बेबी इतने प्यार से दे रही थी, फिर भी किसने टिप नहीं ली? मैंने सर। क्यों, क्या प्रॉब्लम है? मैं नहीं लेता सर। नहीं लेते तो भी बेबी को खुश करने के लिए एक बार ले लेते, फिर लेकर मुझे दे देते। आओ चलो ले लो। ले ले। गो, गो। गो। बहुत शान से कह रहे थे कि टिप नहीं लोगे। आए ना लाइन पे, नाम क्या है तुम्हारा? चरण। कौन सा रन? चरण। ये पैसे उठाओ और चलते बनो। पैसे कमाना आसान नहीं होता, इनकी इज्जत करना सीखिए, इन्हें फेंकिए मत। वैसे भी इन पैसों की मुझे जरूरत नहीं। मेरे हाथ में क्यों दे रहे हो? बहुत टिप टिप कर रहा था ना, तू ही रख। सुनो, ठीक है रख लेता हूँ, बाद में ले लेना। सुब्रमण्यम जी। बेबी, मैंने नहीं मांगे थे। आपके पास रेड स्केच पेन है? है ना, तो उससे इस आदमी का नाम मेरी हिट लिस्ट में लिख दीजिए, मैं इसे सबक सिखाऊंगी। इसे उड़ाना है ना? ठीक है, मैं गन का इंतजाम करता हूँ। हेलो, एक डबल बैरल गन भिजवाना और 2 गोलियां, कहीं एक से बच गया तो। कहा था ना वो आसानी से हाथ नहीं आने वाली। अरे जाने देना यार, अभी बच्ची है वो। बच्ची है? किस एंगल से बच्ची दिखती है तुझे? अगर सही वक्त पर उसकी शादी हो जाती ना तो इसके जैसा बेटा होता उसका। कैसी बातें करती है। नहीं 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 नहीं, वो नहीं। हे, वो क्या चीज है? हे, ये तो 50-50 लगता है। बैंकॉक के नजारे। है क्या? लड़का है या लड़की? हाय, यू फ्रॉम इंडिया? यस, आई लव यू।
इंडिया थैंक यू फादर इंडिया मदर थाईलैंड सिंगल मी नमस्ते 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 ये तो थाईलैंड की होकर भी हिंदी जानती है हिंदी जानती जानते हो थोड़ी थोड़ी तुम्हारा नाम क्या है नचमी क्या लक्ष्मी ओ नो 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 नचमी नचमी डोंट टच मी आर यू बॉय और लेडी आई एम नॉट अ बॉय बिफोर आई बॉय After operation, lady boy. What is difference you and me? Same, same. दोनों same, same ही हो. You want show? What show? Ping pong show. Ping pong. हाँ ये देखो. हाँ ladies, beautiful ladies. Oh. एकदम झकास. No, no, no. मेरी बात मानो live show है. No, 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 मजा आ जाएगा हाँ. No, hey, no. हमारे से कोई शौक नहीं. तुम तो शर्मा गई. Ping pong. Live show में क्या होता है? Ping pong show, live show. सुनो. ऐसा होता है आई वॉन्ट टू सी हर की कम विद मी आया बेबी अपना कार्ड दो ये मेरा एड्रेस फोन करना है हेलो हाय डैड कैसी है मेरी राजकुमारी एकदम वंडरफुल कैसा लगा बैंकॉक बहुत अच्छा डैड अच्छा एक बात कहूँ तुम्हारे बिना घर बहुत सुना लगता है झूठ मत बोलिए डैड सच कह रहा हूँ तुम्हारे बिना घर और ऑफिस में मन नहीं लगता तुमसे ही जिंदगी में खुशियां हैं। मैं वापस आ जाऊं डैड एक दिन शादी हो जाएगी फिर तुम चली जाओगी तब भी वापस आओगी क्या क्या डैड अभी क्या शादी की बात कर रहे हैं मैंने तो अब तक उस बारे में सोचा भी नहीं है वैसे जिससे मेरी शादी होगी वो तो मेरे नखरे उठाकर मर ही जाएगा एक मिनट है डैड तुम कभी मेरे घर आए हो क्या मैं शायद मैंने तुम्हें कहीं देखा है हाँ डैड क्या कर रहे हो कोई प्रॉब्लम है क्या नहीं नहीं कुछ नहीं बस ऐसे तो बस अपनी आंखें सेक रहा था शायद वो समझ गई शायद वो समझ गई है तुझे टिप नहीं कुछ और चाहिए लगे रहो जी डैड दूध वाली कॉफी आपके लिए थैंक यू हाँ मैं आपसे बाद में बात करती हूँ हाँ ओके बेटा मिस्टर बॉब यस मैडम बेबी आपने इन बॉयज को ट्रेनिंग दी है हाँ दी है ट्रेनिंग मैंने कौन सी ट्रेनिंग दी है फ्लर्ट करने की ये कहीं से भी टूरिस्ट गाइड्स नहीं लगते जरा देखिए इन्हें लगता है जैसे हम लोग नहीं ये लोग यहाँ लड़कियों के साथ बैंकॉक घूमने के लिए आए हैं सुब्रमण्यम हाँ बेबी इनके लिए यूनिफॉर्म बनवाइए जी लगना चाहिए कि हम साथ घूमने निकले हैं और इनकी यूनिफॉर्म्स ऐसी बनवाइए कि लगना चाहिए कि हमारे गुलाम हैं और कुछ नहीं हाँ बिल्कुल समझ गए हाँ हाँ पेमेंट चाहिए तो ये काम जल्दी करो हाँ 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 हो जाएगा Love you, huh? बात तब से कब निकलो वही रहना आता हूँ दिखा मेरे को ट्यूशन देगी क्या जानता भी है कौन हूँ मैं तू कौन है उससे मेरे को क्या मतलब पर तू है माल तेरे माल के लिए तेरे को माला माल कर दूंगा किसका कितना बस आई है चलो भागो Thank you.
ऐसी जगह मारा एक एक को ना जा पाएंगे ना धो पाएंगे। बेबी को छेड़ने वाले को ऐसे ही छोड़ देता। ठीक है, संजना को फोन दो। पापा को हेलो बोलो। बेटा तुम ठीक तो हो ना? बिल्कुल ठीक हूँ डैड, कुछ नहीं हुआ मुझे। इस बॉडीगार्ड का नाम तो मैं नहीं जानती, लेकिन बहुत आसानी से सबको धो डाला। देखने में तो चिरकुट सा है लेकिन बहुत दमदार है। डैड आप चाहे तो इसे मेरा बॉडीगार्ड बना सकते हैं, मेरे आगे पीछे दुम हिलाता फिरेगा। हाँ डैड, पगार इतनी देना कि खुद का हुलिया ठीक कर सके। तेरा चांस लगने वाला है लगता है। हाँ डैड। ठीक है डैड, मैं बाद में बात करती हूँ, बाय। हेलो, वेलकम टू एवरीबॉडी, आई एम क्रिश, कप्तान प्लस कुक हियर। ये है मेरा खुद का इकलौता शिप। अब इसे कैप्टन बुलाऊं या बावर्ची? आप मजाक कर रही है ना? ये है मेरा वॉकी टॉकी, अपने पास रखिए, जरूरत हो तो बटन दबा दीजिएगा, मैं आपके पास खड़ा हो जाऊंगा। बटन दबाने की इतनी जल्दी? हेलो, ये शिप कहीं डूब तो नहीं जाएगी? इंश्योरेंस करवा लिया। अपना या शिप का? दोनों का। दोनों का क्यों? हम दोनों ही बीबी के गुलाम है ना। वो मारती है क्या? हाँ बहुत। पीटती भी है? हाँ बेलन से। बेलन से तो बहुत लगती होगी ना। क्या बताओ, जब गुस्से में होती है तो मेरी फट जाती है। वैसे तुम क्यों पूछ रही हो? बेलन मंगवा लो, शायद मुझे भी उसकी जरूरत पड़ जाए। अरे बीबी कम थी जो ये यहाँ आ गई। तुम्हारा दुख शादीशुदा इंसान मेरे जैसा ही समझ सकता है। उफ़ ये बीबी। हेलो, बाहर धूप है, चश्मा आंखों पे पहनो। हेलो डैड, ये बोट बेकार है और इस बोट वाले में भी कोई दम नहीं है, प्लीज इसकी यूनिफॉर्म चेंज करवाइए। इंसल्ट कर दी। ओके।
देखा बाबू, पहले कह रही थी कि मेरी बोट बकवास है और अब उसी में तातथैया कर रही है। अरे उछलो मत, कपड़ा फट जाएगा बोट का। कब तक उछलोगी? सुब्रमण्यम जी, एक मिनट। हाँ बेबी, होम मिनिस्टर से बात कर रहा था। इस बोट को बम से उड़ा दो। व्हाट एन आइडिया बेबी, फैंटास्टिक। बस दो मिनट रुकिए, अभी बॉम्ब मंगा कर उड़ा देते हैं। बोट को उड़ा देंगे। ए यू, ये है मुझसे पंगा लेने का नतीजा। मैं तुम्हारी बोट बम से उड़ा दूंगी। ऐसा कम ऑन गर्ल्स, धमाके में उड़ जाए। अगर इसने बोट को उड़ा दिया तो मेरी बीबी मुझे बॉम्ब से उड़ा देगी, एकदम रॉकेट की तरह। जरा देखो तो, ऐसे घूर घूर कर देख रहा है। थर्ड क्लास। ए, नाम क्या है तुम्हारा? नाम पूछ रही हूँ। चरण। क्या कहा? चरण। अच्छा, चरण, अजीब सा नाम है ना। बहुत गुस्से वाली है, हमें नोच के हमारा खून पी जाएगी। किसकी बात हो रही है? एक नए नस्ल की मछली है जो कपड़े फाड़ेगा और खून पीएगी मैडम। गुड, आज डिनर के लिए वही मछली पकाना, मुझे पसंद आई। सर, यहाँ का क्लाइमेट सुपर है सर, उसमें भी पिंग पोंग लाइव शो एकदम कमाल है सर। आपके लिए पूरी सेटिंग मैंने कर दिया सर। सर, यहाँ की लड़की को आप ना ही नहीं कर पाएंगे। सर सर सर, मैनेजर को देखो। सर 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 सर, इससे बड़ा चापलूस मैंने अब तक नहीं देखा। आपका ये बड़ा है, आपका वो छोटा है, आपके उसमें प्रॉब्लम है और हम लोग नौकरी करके भी कुछ नहीं कर पाते हैं। हमें हमेशा अमीरों के सामने हाथ फैलाना पड़ता है। और हम सब इसलिए जल रहे हैं क्योंकि हम लोग फकीर है, बात मानते हो ना? मानने से कुछ नहीं होगा, अमीर बनने के लिए कुछ ठाननी पड़ेगी। मैडम, सूप। कौन सा सूप? टॉमियम सूप। ये सूप है? सूप है ये? हाँ, ये सूप मेरी बिल्ली भी नहीं पिएगी। ब्लडी इडियट। रुक जाइए, मुझे लगता है आप उसके चेहरे पे सूप डालना चाहती है। ये काम मेरे सर पे करके मुझे सूप का ताज पहनाइए। हमें मंजूर है, हम आपके गुलाम हैं, आप हमारी हुजूर हैं। डालिए डालिए। तुम्हारी मम्मी ने तुम्हें सूप बनाना नहीं सिखाया क्या? हाँ, मुंह का स्वाद बिगाड़ दिया। बस बहुत हो गया, बाप के लाड़ प्यार ने बिगाड़ दिया है तुझे। तुझे मैं अभी ठीक करता हूँ। हट, चल। बहुत गर्मी है ना तेरे अंदर। हेलो, आधे घंटे से पेपर मांग रही हूँ, बहरे हो गए हो क्या? सुनाई नहीं देता। नाम क्या बताया था तुमने? किरण ना? क्या था? चरण। नाम लेने में इतना भाव क्यों खा रहे हो? या शर्म आती है तुम्हें? ये गर्दन टेढ़ी करके घूर क्या रहे हो? देखो गर्ल्स, लक्ष्मी आई है। नमस्ते। नमस्ते। तुम्हें मसाज चाहिए? कैसी मसाज? नरम नरम हाथों से मसाज। अच्छा, मसाज? ऑयल मसाज, बॉडी मसाज, थाई मसाज करवाओगी? अच्छा, चलो शीला मुन्नी चीनी जापानी छुड़ो जाओ। ये लड़कियाँ हमको भी मसाज देगी क्या? यस। चलो चलो, सबको खुश कर देना। आ जाओ, आ जाओ। नमस्ते नमस्ते। बसंती, पैर दबाना पैर, जल्दी से कुछ और मत दबा देना। वो हाका नूडल आइस के ऊपर मत जाना। हमारा नंबर कब आएगा? पहले मैं कहूँगा। चुप है, सीनियर मैं हूँ या तू, इसलिए पहले मैं कराऊंगा। ए नश्मी, इधर आना। चल गरम चावल। जमके जमके चाहिए क्या? जमके मतलब? ये पूछ रहे की और कसके दबाए क्या? नहीं नहीं नहीं, कसके दबाना पसंद नहीं। हल्लू हल्लू। अच्छा, ए शालू, हल्लू 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 हल्लू। ए क्या कर रहे हो? मेरी कलाई टूट जाएंगी। मेरी भी मसाज करवा दो ना प्लीज। मैं करूं? नहीं, उनसे, गर्ल्स से। सैंडविच मसाज चलेगा? सैंडविच? वो कैसे? ये तुम हो, ये एक लड़की और ये दूसरी लड़की, फिर मसाज हो रही है। यही चाहिए। दिस नाइट यू स्टे हियर। मैं? नो, ऑल गर्ल्स। पार्टी पार्टी, मसाज मसाज। हम बैंकॉक के राजा बन जाएंगे। शीघ्र मरो ताकि हम शीघ्र अमीर बन जाएं। ए सुनो,
बियर होगी क्या? होगी। वैसे बियर में क्या मिलाकर पीना चाहिए? वैसे तो मिल्क पाउडर मिलाते हैं, और अगर स्पेशल बनाना हो तो ड्राई फ्रूट्स मिला सकते हैं। वो चोरन दे रहा है, बियर में कुछ नहीं मिलाते। झूठ क्यों बोल रहे हो तुम? मैं क्या तुम्हें गवाह दिखती हूँ? चलो जाओ, जाओ थोड़ी बियर लेके आओ, जाओ और जल्दी आना। चलो चलो, मैं ज्यादा तक नहीं करूंगा। थैंक यू, मैं खुश हुआ तो तुम्हें भी कर दूंगा। सैंडविच, सैंडविच। मेरा बॉडीगार्ड बनाया था ना तुझे? सैलरी लेता है ना तू? तो आज से कोई भी मुझे घूर के देखेगा उसको तू बोलना मार डालूंगा। I'll kill you. अरे गणेश, सही मौका है यार। मैं इसको उठाता हूँ, तू उसको उठा, और बबलू तू उसको उठा ले। मैं तो अकेले ही सबको उठा सकता हूँ। आज बड़ा मजा आने वाला है। रुक जाओ, रुक जाओ। स्ट्रेचर केस होने से पहले इन्हें बेडरूम में लेकर जाओ। सर, हम इन्हें बेडरूम में ही ले जा रहे हैं। आ जाओ भाई, उठाओ। शराफत से उठाओ, प्यार से नहीं। मुझे सोना है। सुनो चरण, कहते हैं तुम्हारे दोस्त यार कि तुम्हें इस लड़की से बहुत है प्यार। इस वक्त तुम्हारी बाहों में है, क्या है फीलिंग इसके बारे में? इसे दूर से ही देखना अच्छा लगता है सर। पास आई है तो कोई फीलिंग नहीं है। ओहो। पहले मुझे इससे प्यार था, लेकिन अब नहीं है। अब आप ही देखिए ना, इसका ये भोला भाला चेहरा, शक्ल से मासूम लगती है ना, लेकिन इस लड़की में कितना घमंड, पैसों का गुरूर और गुस्सा छिपा है। शराब की बदबू आ रही है, इसे इसके रूम में छोड़ देता हूं। यस गो। थैंक यू, आज तुमने मुझे असली सैंडविच का स्वाद चखाया है। फ्रेश हो गया मैं तो। थैंक यू वेरी मच। मजा आया ना? हाँ, पर अभी भी मन नहीं भरा। रशियन गर्ल्स चाहिए? रशियन गर्ल्स? सच कह रही हो? सिर्फ रशियन गर्ल्स नहीं, बल्कि कजाकिस्तान गर्ल्स, उज़्बेकिस्तान गर्ल्स, लेबनीज गर्ल्स। क्या कह रही हो? यूरोपीनी गर्ल्स। वर्ल्ड टूर करवाओगी क्या? मेरे साथ चलो, सब मिलेगा। तुम यही रुको, मैं अभी आता हूँ। हम रशियन शो देखने जाएंगे, यही पास में है। तुम सब मेरे साथ चलो, चलो चलो। संजना अब तक सो रही है, बेबी के उठने से पहले जाकर वापस आ जाएंगे। सुनो चरण, तुम यही रहकर बेबी का ख्याल रखना, तब तक हम सब वापस आते हैं। मुझे नहीं बताओगे शो देखने कहाँ जाओगे? हम खाओ, पेड़ क्यों गिन रहे हो? हाँ, चलो जल्दी चलो, रशियन शो देखना है। फास्ट टॉकिंग, लेस टॉकिंग। ए सुनो, कहाँ गए? एक कॉफी देना। मैडम कॉफी? मेरे मांगने से पहले ही तुम कॉफी बनाकर कैसे ले आए? हाँ, अगली बार मैं कहूंगी फिर कॉफी लाना, समझ गए बात? बाकी सब लोग कहाँ हैं? वो सब घूमने गए हैं, थोड़ी देर में आ जाएंगे। अब एक फ्रेश कॉफी बनाओ और दो मिनट के बाद लेकर आओ। जाओ चलो, निकलो यहाँ से। बैंकॉक थाईलैंड में मालूम क्या, अब तुम आई हो तो थाई का मजा तो लो। मजाक कर रहा था। Chalan!
जाओ, खत्म कर दो उसे। से गला बैठ जाएगा। बंद पड़ गई है। बंद पड़ गई तो उतर के धक्का मारो। Come on, धक्का मारो। अरे कोशिश कर रहा हूं ना मैं। अब क्या? खड़े क्या हो? कुछ करो। चलो। अरे कहां चलूं? ये नहीं चल रही है यार। चरण ऐसे बैठे मत रहो, तो मेरे बॉडीगार्ड हो। अच्छा तुझे इतना पता है तो तू चलाना, आजा चलाना। मुझे चलाने आता तो तुम्हें क्यों बोलती? हां हीरो की तरह विलन से फाइट तो कर लेना, अब इसे चलाओ। चलाओ, बन जाओ हीरो। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मुझे मारा कैसे? हाँ दिखाऊं कैसे? ऐसे। मुंह बंद कर, एकदम चुप, वरना नीचे फेंक दूंगा। चुप कर, रोना बंद कर, वरना तैर कर यहां से चला जाऊंगा। सुना नहीं? शट अप। बेबी, संजना बेबी, 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 चरण, चरण, चरण,
संजना और चरण मिल नहीं रहे। तो अपना काम करना। ओ हाय दैया। ए लाल बाल, संजना बेबी को देखा? मुझे पतली लड़की नहीं दिखी। कुछ पता चला? तो कहीं भी नहीं है। अरे क्या हो, चरण को फोन लगाओ। तुम चुप रहो, फोन लो। लग नहीं रहा है, लगता है दोनों पहुँच के बाहर है या फिर दोनों की बैटरी उतर गई। नौकरी गई, अब सैंडविच खाते रहो। से उठा के आइलैंड दिखा रही है, चल के जाएंगे क्या वहां? तुझे तैरना आता है? पता चला तू डूब गई और मैं पहुंच गया। क्यों चिल्ला रही है? कोई सो रहा होगा तो जाग जाएगा। ए, सॉरी बोल दो। हा? मुझे सॉरी बोल दो। किस लिए? कल रात तुमने मुझे मारा ना? हाँ। सॉरी बोल दो, मैं तुम्हें माफ कर दूंगी। मैं समझ सकती हूँ तुमसे गलती हो गई, मुझे सॉरी बोल दो। रस्सी जल गई पर अब तक बल नहीं गया। सॉरी तू मुझे बोल। ओके ओके, अब मेरा एडवोकेट ही आकर तुमसे बात करेगा। हम बुला ना, एडवोकेट को क्यों, पूरे खानदान को बुला। बात करनी है। तुम्हें तो मैं जेल भिजवाऊंगी और तुम्हारी उस इंडो बैंकॉक कंपनी पर भी केस करूंगी। ठीक है, जिसे बुलाना है बुला ले, मैं यहीं खड़ा हूँ और किसी से नहीं डरता। तुम मुझे धमकी दे रही है, मुझे घमंडी कहेंगी। मुझे तो उस लड़के पर शक हो रहा है, जरूर उसने पैसों के लिए बेबी को किडनैप किया है। पता नहीं उसने नादान बच्ची के साथ क्या किया होगा, जल्दी से उसका पता लगाओ। आप सोच रहे हैं जैसा, करण बिल्कुल नहीं है वैसा। जिस राक्षसनी को आप बच्ची कह रहे हैं उससे तो मेरे मुन्ने को अभी तक निगल लिया होगा। क्या राक्षसनी? यस। मेरी बेबी ने उसे निगल लिया? ए, फूलों से भी नाजुक, मेरे मालिक की बच्ची है। मैं कहता हूँ चराग लेकर ढूंढने पर भी ऐसी लड़की नहीं मिलेगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे राक्षसनी कहने की? तुमने ऐसी गुस्ताखी की, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। घंटी बज गई, बॉस का फोन है, सब लोग चुप रहना। सर सर सर। क्यों रे, मेरी बेटी क्या कर रही है? बेबी अंदर सो रही है, आप कहें तो उठा दूं? नहीं नहीं सुने दो। उठा देता हूँ ना सर। अबे क्या? उठा देता हूँ, बात कर लीजिए। अरे बात तो सुन, उसे सोने दो। ठीक है सर, बच गया, पर अगली बार क्या करूंगा। अगर ये तेरे आर पार हुआ ना तो बक बक बंद हो जाएगी। सॉरी, बहुत गर्मी लग रही है और बहुत भूख भी लगी है। चुप हो जाओ, रोना बंद करो, रोना बंद करो। इन्हें भी चुप कराता हूँ, रोना बंद करो। तुम रोने लगोगी तो मुझे कौन संभालेगा? कहाँ चली गई संजना, अब उसे ढूंढ क्यों नहीं रहे? अरे उसे ढूंढने की कोशिश तो कर रहा हूँ मैं, आई एम ट्राइंग। दिल कर उसकी जान ले लूं। ए, चखेगी क्या? क्या वो? या बिल्कुल नहीं, ना सॉल्ट, ना पेपर, ना ठीक से पकाया। तुम ही खाओ। तू क्या फाइव स्टार होटल में बैठी है? जानते हो
मैं एक शेरनी हूँ और शेरनी कितनी भी भूखी क्यों ना हो, बिल्लियों की तरह मछली वछली नहीं खाती। कितने गंदे हो तुम, यक। सुब्रमण्यम जी, हमने बहुत इंतजार कर लिया, ओके? अब तो उसके डैड को फोन करना ही होगा। यहाँ खड़े खड़े कुछ नहीं होगा, तुम्हें संजना के डैड को फोन करना होगा। भाई ऐसे नहीं मानेगा, तुम अभी संजना के पापा को फोन लगाओ। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, फोन मत लगाओ प्लीज, मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ, पर प्लीज फोन मत लगाना, फोन मत लगाना। ये किसका घर है? मेरा है। तुम्हारा है? हाँ। ये तुम्हारा घर है? नहीं हो सकता। हाँ, बड़ा आया घर वाला। खड़ी हो जा। सुना नहीं, खड़ी हो। अब बोल, ये घर किसका? तुम्हारा। ये आइलैंड किसका? आइलैंड भी तुम्हारा। मैं इस आइलैंड का राजा और ये मेरा महल और तू मेरी दासी, मतलब नौकरानी। एक बार मैं समझता नहीं। चल अब निकल, राजा को आराम करने दे। चल निकल निकल, गेट आउट। घमंडी का, अरे वाह, यहाँ पर सील पैक बॉटल। ये आइटम पिएगी क्या? सील पैक है। नहीं। क्यों, अब तक तुझे प्यास नहीं लगी? लगी है। तो मुझे मिनरल वाटर चाहिए। अबे तेरी तो, तेरे बाप ने यहाँ मिनरल वाटर की फैक्ट्री लगाई है। ये देख, एक ही बोतल बची है। अब मिनरल वाटर तो यहाँ मिलने वाला नहीं है, पीना है तो पी वरना मर। ठीक है चरण। क्या बोला तूने अभी? मुझे सर बोल, चरण सर। जी सर। हाँ, इस रुमाल का क्या करेगी तू, इससे कुछ नहीं ढकने वाला। ये मुझे दे। क्या हुआ, टेंशन है? वो लड़की थी तो टेंशन, नहीं है तो डबल टेंशन। रिलैक्स, तुम शादीशुदा हो? शादी? अभी मेरी उम्र क्या है? मैं भी कुंवारी हूँ, मेरी भी नहीं हुई। तुम्हारी शादी से मुझे क्या? बस करो, नहीं तो मैं रो दूंगी। तुम्हें क्यों रोना आ रहा है? ये तन्हाई, ये केलापन। क्या कहा, केलापन? नहीं, अकेलापन। मेरा केलापन दूर करो ना। मुझ पे चांस क्यों मार रही है? मुझसे शादी करो ना। मुझे अकेला देख के मौके का फायदा उठा रही है क्या? मैं भी अकेली, तुम भी अकेला। नो 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 नो, तुम उस पार, मैं इस पार, हम दोनों में नो प्यार। सोचो सोचो, रोज नया झटका दूंगी। अरे रे रे रे, तुम्हारे झटकों से मेरा बदन और ढीला हो जाएगा। कोई बात नहीं, मैं कड़क कर दूंगी। अरे सोचने का थोड़ा टाइम तो दो। देखो मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, चली जाओ यहाँ से। सोचना। हाँ, नमस्ते। नमस्ते, चलो अपने रास्ते। ए आइटम, इधर आ। हाँ? इधर आना। हाँ? मेरे पास आ। क्या है? एक गाना गा। मैं गाना वाना नहीं गाने वाली। देख, चरण सर पूरी तरह बोर हो गए, इसीलिए गाना वाना गा, कुछ ठुमका लगा, थोड़ा एंटरटेनमेंट कर यार। नहीं नहीं, मुझे गाना वाना नहीं आता। तू ऐसे नहीं मानेगी, तुझे तो। अंग्रेज की औलाद, तू यहाँ इंडिया से ही आई है ना? क्या? इंडिया से ही। हाँ, तो इंडिया में भारतीय गाना। हाँ, क्या समझी? हाँ, हिंदी गाना, हिंदी। हाँ, इसीलिए आसमान से उतर, धरती पर आ और हिंदी गाना गा। चल शुरू हो जा।
अब खड़ी क्यों है? बेकार में अपना टाइम वेस्ट कर रही है। अगर तू बार डांसर बन गई ना तो सच कहता हूँ फुल टाइम डिमांड में रहेगी। अरे डेढ़ फुट ये बोलिए, ये चरण का फोन नंबर तो देना जरा। व्हाई सर? उसे फोन लगाकर बताना है कि बेबी का सर कुचल डाले। व्हाई ऐसा सर? अभी अभी तो आप उसे फ्लावर कह रहे थे। फ्लावर तो वो है लेकिन उसमें चुभने वाले कांटे बहुत हैं। और सबसे बड़ा चुभने वाला कांटा तो उस नक्चड़ी का बाप है। कहाँ है उसका खड़ूस बाप? ये सर लड़की का बाप। हाजिर हो, हाजिर हो नीचे। इसी दिन के लिए बेटी पैदा की थी तूने? ये थप्पड़ आपको नहीं उसे मार रहा है। उसे लाड प्यार देकर सर पे तूने चढ़ाया है, नक्चड़ी बना दिया। तुमने मेरा जीना हराम कर दिया है। बाप बेटी ने मिलकर मेरी पगार से ज्यादा टेंशन देते हो। मेरा ब्लड प्रेशर, शुगर, कोलेस्ट्रॉल सब कुछ आउट ऑफ कंट्रोल है क्योंकि तुम्हारी बेटी आउट ऑफ कंट्रोल है। सुनो, अगर तुम बाप बेटी ने गलती से भी मुझे फोन किया तो लात खाओगे। जीने नहीं देते। देखा तुमने, कहानी का नया एंगल। हर पुरानी कहानी के पीछे एक नई कहानी होती है, लेकिन इसी कहानी तो पूरी लमलेट हो गई है। जिस फूलों से प्यारी बच्ची का ये सेक्रेटरी है वो तो हकीकत में फूलन देवी की नानी निकली। मेरे पेट में दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे मेरे पेट में कुछ गोल गोल घूम रहा है। क्या घूम रहा है? पता नहीं, पर कुछ तो गड़बड़ जरूर है। वो चूहे होंगे। अब इन चूहों को शांत करने के लिए कुछ तो खाना पड़ेगा ना। ये मछली कितने की है? क्या बोली? मैं तुमसे ये खरीदना चाहती हूँ। मुझे बेचनी नहीं है। ओके, ये लो $100। नहीं, $200। नहीं, $500। सॉरी, $1000। अब सोच लो, ये बहुत है। हाँ? अच्छा चलो, $1000 प्लस मेरी ये चेन, ओके? पता है तेरी बाप की दौलत से तुझे कुछ चीजें कभी नहीं मिलेंगी। ये मछली भी उन्हीं में से एक है। सर प्लीज मुझे बताइए कि इस मछली के लिए मैं आपको क्या दूँ? जो मांगूंगा वो देगी। देख सोच ले, जो भी मांगूंगा देना पड़ेगा। हाँ बोल के मुकर नहीं सकती। बाद में रोना नहीं कि पेन हो रहा है, मुझसे सहा नहीं जा रहा। तेरे बस की बात नहीं है, तू नहीं कर पाएगी। तू एक काम कर, मेरे कपड़े धो दे, ये मछली खा ले और काम पे लग जा। ओके चल, ये लिखा। अरे संभल के, इसमें कांटे होते हैं, कांटे। पेपर सॉल तो इसमें है ही नहीं। नो प्रॉब्लम। एक मिनट। बेबी, बेबी मिली क्या? बेबी मिली क्या? मिली बेबी? ज्यादा बकबकी तो चप्पल से मारूंगा। उसके बाप को फोन कर और सारी सच्चाई बता दे। बात क्या है डरने की, फोन करो और कह दो मिसिंग 2 दिन से। जल्दी कर। बेबी का बाबा मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। हेलो, गला क्यों फाड़ रहा है? सर, सजना बेबी नहीं मिल रही। क्या कहा? बेबी नहीं मिल रही सर, वो एकदम अचानक से गायब हो गई। ए आइटम, तेरा नाम क्या है? संजना। क्या? संजना संजू।
ओ। ए, तुम अभी मेरे इतने करीब नहीं आए हो, हम दोस्त नहीं है, मुझे संजू मत बुलाओ, ओके? संजी, संजय, मेरा जो मन करे मैं बुलाऊंगा। वैसे तो एक ही मछली खाई और इतनी गर्मी। ए आइटम बराबर से दो, घस घस के। क्या हुआ, सबका लटका हुआ है मुंह? अरे अपना मुंह बंद कर, लटक लटक के हम लोग यहाँ तक तो पहुँच गए, और टेंशन मत बढ़ा। मैं टेंशन उतारू? हाँ। दो क्या, थाई मसाज, बॉडी मसाज, सैंडविच मसाज। ए, तेरा मसाज रख तेरे पास, मेरा जो बॉस है ना वो आकर हमारे कपड़े उतार कर घिस घिस कर हमें मसाज देगा। बॉस भी शौकीन लगते हैं, मजा आएगा। मुझे झापड़ मत मारिए, उसे ढूंढ नहीं तो चप्पल भी खाएगा। चल। सर, चरण सर, आपके कपड़े सर। इतना सिखाया लेकिन तू सीखेगी नहीं ना, बात करने की तमीज नहीं है तुझे? थोड़ा इज्जत से, थोड़ा डर के बात कर। चरण सर बोल, र को थोड़ा ऊपर खींच। चलिए रख नीचे। ये ले, टिप रख ले। टिप दोगे मुझे? तेरी तो तुझे नहीं, सॉरी सर, सॉरी सर, टिप दे दीजिए सर। ये ले। थैंक यू, मैं कपड़े अंदर रख देती हूँ। जल्दी रख। देखिए सर, मेरी बेटी कुछ दिनों से गायब है, उसे किसी लड़के ने किडनैप कर लिया है। उसका नाम है, क्या नाम बताया था उस लड़के का? सर उसका नाम कुछ ऐसा था। पासपोर्ट नंबर तो होगा उसका? वो भी नहीं है। तुम भी बेवकूफ निकले, इसकी वजह से वो मेरी बेटी को उठा ले गया। वो अच्छा इंसान है, नो शक, खामखा असली हीरो है, असली हीरो सर। उस हीरो की फोटो तो होगी ना? घर वाले ऑफिस में जरूर होगा। ढूंढ के ला। ए, इधर। सर। वो बैंकॉक में जहाँ कहीं भी रहता था वहाँ जाकर चेक करो, उसका पासपोर्ट ढूंढो, पता करो कि वो यहाँ कब आया और क्यों आया था, उसने टिकट कहाँ से बुक कराया था, उस ट्रेवल एजेंसी का पता लगाओ। मुझे सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए। वो वेंकटेश ट्रेवल एजेंसी के जरिए आया था। वेंकटेश, मैं कभी भी किसी के लिए इस तरह से मसाज नहीं करती हूँ। सिर्फ मसाज कर, बकवास मत कर, जरा ठीक से करना। सर जी, मुंडे के रूम में पासपोर्ट मिला है। अब मैं उस कमीने की सारी डिटेल पता कर लूंगा, उसके बारे में सब कुछ पता करो, चलो जल्दी जाओ। थाईलैंड के सारे न्यूज चैनल्स पर मेरी बेटी और उस लड़के दोनों की फोटो 24 घंटे के अंदर आनी चाहिए, जाओ। क्या हुआ, मैं ठीक से नहीं कर रही हूँ, क्या हुआ तुम्हें? तेरे ये जो होंठ है ना, क्या कर रहे हो? नाराज की होती है क्या? कर रहे हो चरण? कोई नहीं है। स्टॉप इट चरण, चरण क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। सुनना, मुंह मत खराब कर। ए, चल अंदर आना। चरण रुक जाओ। होश में आओ चरण, क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे, नहीं छोड़ो, बचाओ। डर मत, मैं तुझे कुछ नहीं करूंगा। जानती है क्यों? क्योंकि तू मुझे अच्छी लगती है, बहुत प्यार करता हूं मैं तुझसे। जब तुझे पहली बार देखा था ना, उसी दिन मुझे तुझसे प्यार हो गया था। लेकिन तुझे तो याद नहीं होगा, पहली बार तेरी गाड़ी का कांच तोड़ा था। और उस दिन के बाद मैं रोज तेरा पीछा करता रहा ताकि तेरी एक झलक देख सकूं। मैं तेरे पास तो नहीं आ सकता था, इसलिए दूर से ही तुझे देखकर खुश हो जाता था। एक बार तो मैं तेरे घर तक पहुंच गया था। तूने मुझे छुआ भी था। ये रोहित नहीं है? नहीं तो
तेरे बैंकॉक आने से मैं बहुत खुश हुआ था, लेकिन तेरा घमंड देख के मुझे उतना ही दुख हुआ। नफरत होने लगी मुझे तुझसे, तेरे बर्ताव से। तू इंसान को इंसान नहीं समझती ना, तेरा ये स्वभाव बदल, दूसरों की कदर करना सीख। और हां, अगर बुरा लगा हो तो सॉरी। का सूप पीने का टाइम हो गया, पता नहीं क्या कर रही होगी बेबी। उसकी बहुत चिंता ना तुम्हें। हाँ सर। सर सर सर। अब जल्दी से सच्चाई बता दे, मेरी बेटी को किडनैप कराने में तेरा ही हाथ है ना? तूने पैसे के लिए ये सब किया ना? मैं गलत हूँ सर, सही नहीं हूँ, मेरा मतलब उल्टा है। गलत सही से मेरा कोई वास्ता नहीं, मुझे तो मेरी बेटी वापस चाहिए बस। मेरी बस, अगर मेरी बेटी मुझे वापस मिल गई तो मैं तुझे मुंहमांगा इनाम दूंगा। नहीं सर, मुझे कुछ नहीं चाहिए, जो भी प्लान बनाया चरण ने, मैं बिल्कुल नहीं। दोनों उसने ऐसा क्यों किया? पैसा पैसा, नीयत खराब, सबसे बड़ा रुपया और क्या। वो तो हीरो था ना? हाँ, लेकिन कड़का हीरो। संजना मेरे साथ आ। हैप्पी बर्थडे, ये लो तुम्हारा गिफ्ट। तुम कैसे जानते हो? बस जानता हूं, और भी बहुत कुछ जानता हूं। 5 जनवरी को तुम्हारी माँ गुजरी थी, और मुझे ये भी पता है कि तुम्हारे डैडी तुमसे बहुत प्यार करते हैं। और इस वक्त वो तुम्हें बहुत मिस कर रहे होंगे। लड़के के बारे में तुम क्या कह रहे थे? हीरो है। हाँ सर। वो कौन है जानते हो? नहीं। 12 साल की जेल काट कर आया है वो, स्कूल जाने की जगह वो जेल गया, अपराधियों को इकट्ठा करके बैंकॉक में गैंग बना रहा है। तेरी तो, तुम सब उसके साथ हो। कौन सी जेल से आए हो तुम? दिल्ली से, मुंबई से? बता मुझे, वरना मैं जान से मार दूंगा। गोली मत चलाइए। संता, फौरन एक हेलीकॉप्टर बुक करो, थाईलैंड का चप्पा चप्पा छान मारो। ओके सर। पागल हो गई हो? हो सकता है मेरे डैडी हो। मैं यहाँ से नहीं जाना चाहती हूँ चरण, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, पर तुम अमीर नहीं हो इसलिए मेरे डैड कभी नहीं मानेंगे। प्लीज मुझे यहीं रहने दो, प्लीज चरण मान जाओ ना। ये सच है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, पर ये नहीं सोचा था कि तुम भी करोगी, और मैं ये कभी नहीं चाहता कि तुम मेरी जिंदगी का हिस्सा बनो। पर क्यों? तुम मेरे बारे में कुछ नहीं जानती, हमारा छोटा सा परिवार था जिसमें मां थी, मेरे बाबा थे, और मैं। हेलो
के बाद 12 साल में जेल में रहा। जेल से रिहा होने के बाद पता चला कि मेरी मां गुजर गई। मेरी जिंदगी में तूफान लाने वाला एक ही आदमी है जिसका नाम है मट्टू भाई। जेल से निकलने के बाद मैं पागलों की तरह इधर उधर मट्टू भाई को ढूंढता रहा। मट्टू भाई, उससे तेरे को क्या काम है? मट्टू भाई को तो अपन अच्छे से जानता है। मट्टू भाई अब तेरे को नहीं मिलेगा। मट्टू भाई अब इधर नहीं रहता, हांगकांग, बैंकॉक, मलेशिया, सिंगापुर जा जाके ढूंढ ले। मेरा बैंकॉक आने का एक ही मकसद था, मट्टू भाई की मौत। एक दिन मुझे उसके ठिकाने का पता चल ही गया। वो यही बैंकॉक में रहकर अपने काले धंधे कर रहा है, अपने अंडरवर्ल्ड के कामों को अंजाम दे रहा है। उसका एक खास पंटर भी है, भीकू। तुम उसे जानती हो, उसी ने तुम्हारे साथ बदतमीजी की थी। वो भी मट्टू की तरह अय्याश है। उसकी शामें बैंकॉक के क्लब्स में गुजरती है। 2 हफ्तों की कड़ी तलाश के बाद आखिर मुझे मट्टू का पता चल ही गया और मैं अपना बदला पूरा करने वहां पहुंच गया। किस्मत अच्छी थी, उस दिन वो बच गया और फिर वो बैंकॉक से फरार हो गया। अगर इस बार वो मेरे हाथ लग गया ना तो छोड़ूंगा नहीं साले को, चाहे मुझे दोबारा जेल ही क्यों ना जाना पड़े। तो अब बोलो, अब भी मेरी जिंदगी का हिस्सा बनोगी? We'll be right back.
तुझे कुछ हुआ तो नहीं ना? तू ठीक तो है ना बेटा? क्या हुआ? इस लड़के को बचा लीजिए, इसने मेरी जान बचाई है, इसने मुझे किडनैप नहीं किया था। बंद करो, छोड़ दो उसे। मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। क्या? उसने मेरी जान बचाई है, वो भी मुझे चाहता है, उसे ले चलिए डैडी, मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। धक्का डालो उस साले को। क्या हुआ? यहाँ पर कोई तमाशा हो रहा है क्या? और भीड़ कम करो। और तुम्हें क्या हुआ? हाँ, तुम क्यों आंसू बहा रही हो? गलती मेरी है, ना ही मैं तुम्हें यहां भेजता, ना ही तुम्हें उस लड़के से प्यार होता। हाँ, तुम जानती हो वो कौन है? झोपड़पट्टी का रहने वाला है, पेट की आग बुझाने के लिए बैंकॉक आया था, भिखारी कहीं का। मुझे उस भिखारी से ही प्यार है। क्या? मैं उसी से शादी करना चाहती हूँ। आज की जनरेशन ने ऐसा कोई रूल बनाया है क्या? हाँ, फिल्मों की तरह अमीर लड़की गरीब से प्यार करेगी और अमीर बाप उसे अपना दामाद बनाएगा और उसके बाद हैप्पी एंडिंग। अरे तूने उसमें आखिर देखा क्या? प्यार अंधा होता है डैड। प्यार? यार की पैसे की तैसी। प्यार की पीएचडी हो गई तेरी? हाँ, कॉलेज में लाला मजनू का ड्रामा सीखने जाती है तू? सुबू, जी सर। तूने इसे जिस कॉलेज में डाला है वहाँ पढ़ाते हैं या प्यार सिखाते हैं? प्यार क्या है आप नहीं जानते डैडी। चल मैं नहीं जानता। हाँ चल तू ही बता मुझे प्यार के बारे में। चल बता, मुझसे सुन। इतना बड़ा बिजनेस, इतनी सारी प्रॉब्लम्स, घंटों बिजनेस मीटिंग में होने के बावजूद मैं बार बार फोन करके तुझे पूछता हूँ कि तू कैसी है, तुझे कोई तकलीफ तो नहीं है ना? जब मुझे पता चला तुम गायब हो गई हो, मेरे दिल में एक दर्द उठा था। इसे तुम क्या कहोगी, हेल्थ प्रॉब्लम? ये प्यार नहीं है ना? 2 दिनों से मैंने झपकी तक नहीं ली है, उसकी वजह से मेरे सिर में दर्द हो रहा है, ये प्यार नहीं है। मैंने बड़े लाड़ प्यार से तुम्हें बड़ा किया है, मगर तुम्हारी नजर में ये मेरी जिम्मेदारी थी और उस कल के लड़के ने तुम्हारे लिए अपने जज्बात दिखाए तो तुम्हें उससे प्यार हो गया। औलाद पैदा करने से बेहतर है कुत्ता पाल लो, कम से कम वफादार तो रहेगा। गली के कुत्ते उस पर भौंकेंगे जरूर, मगर उसके साथ घर तो नहीं आ जाएंगे। ठीक है डैड, मैं आपको एक अमेरिकन कुत्ता गिफ्ट कर देती हूँ, पर मुझे जाने दीजिए। जाने दूं? गिफ्ट करेगी। अमेरिका से कुत्ता मंगवाने के बजाय मैं तुम्हें ही अमेरिका भेज देता हूँ। सुब्रमण्यम सुनो। सर। नेक्स्ट राइड से इसे भेज दो, टिकट ना मिले तो चार्टर्ड प्लेन से इसे वहां भेज दो। जी सर। कितनी बदल गई है ये, कहीं से लगता है कि ये मेरी बेटी। संजना, संजना, संजना बेबी। ए टुडे उसे। संजना बेबी। संजना, संजना बेबी। तुम उधर जाओ। संजना कहां गई होगी सर? मेरे लिए कुत्ता खरीदने गई होगी। पूरा शहर छान मारो। चरण यहाँ। अरे सबर रखो, फोन आ रहा है, एक मिनट। हेलो। क्यों रे, मेरी बेटी को फिर से भगाया ना? मैंने उसे नहीं भगाया। तूने भगाया नहीं है पर उसे मजबूर किया। ऐसा कौन सा जादू चलाया कि वो एक ही हफ्ते में अपने बाप का प्यार तक भूल गई? अभी मेरी बात ध्यान से सुन, उसे छोड़ने की मैं तुझे मुंहमांगी कीमत दूंगा। बता कहाँ है मेरी बेटी, जल्दी बोल। एक खास सूचना, चरण नाम का एक गुंडा इंडिया के मशहूर बिजनेसमैन की बेटी संजना को ए भिको। हाँ पापा। अरे तू जब पप्पा गेला केली खाईला हाई चैनल बाग टीवी पर उसका फोटो दिखा रहला है, बैंकॉक में बैठा है वो कमीना। क्या पापा, फेंको मत। तू टीवी पर देख नहीं तो तेरे को फेंक दूंगा। व्हाट? सारी माहिती मालूम कर। ओके। मुझे वो चाहिए किसी भी कीमत पर। चरण तुम अचानक मुझे यहाँ क्यों लाए हो? हाँ तुम्हें मुझे भूलना होगा। क्यों? कल तुम्हारे डैडी ने कहा। कितना पैसा चाहिए तुझे?
बोल कमीने, मेरी बात सुन रहा है ना? पैसों के लिए ही तूने ये सब किया ना, तो बोलता क्यों नहीं? अच्छा सुन, अपनी माँ से मिलेगा क्या? क्या कहा? जिस माँ के लिए तू जेल में गया था, मैं तुझे उसी माँ से मिलवाऊंगा। इसी माँ के लिए तूने 12 साल जेल में काटे थे ना, तू तो ये भी नहीं जानता कि वो जिंदा है। वो जिंदा है और मेरे पास है दौलत ना सही, माँ के लिए तो मेरी बेटी लौटा दे मुझे, सौदा मंजूर है? हाँ, 24 घंटे में तेरी माँ बैंकॉक पहुंच जाएगी, लिख के ले ले मुझसे, मैं तुझे तेरी माँ दूंगा, तू मुझे मेरी बेटी। थोड़ी देर में तुम्हारे डैडी तुम्हें यहाँ लेने आएंगे और मुझे मेरी खोई हुई माँ मिल जाएगी, उसके बाद हमारी स्टोरी का दी एंड। चरण तुम ये सब क्यों कह रहे हो, तुम पागल हो गए हो क्या? सुनिए सर, मुझे नहीं पता था मेरी माँ जिंदा है, उनसे मिलने की कोई उम्मीद ही नहीं थी, लेकिन आज आपने मेरी माँ का आंचल मुझे लौटाकर आपने मुझ पे बहुत बड़ा एहसान किया है सर। थैंक यू सर, आपकी बेटी से कभी नहीं मिलूंगा, कभी नहीं, आपका यह एहसान रहा सर। नहीं 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 नहीं, प्लीज ये सब मत करो। देखो बच्चे, मैंने तुम पर कोई एहसान नहीं किया, मैंने तुम्हारी माँ को इसलिए ढूंढा क्योंकि मैं अपनी बेटी से बहुत प्यार करता हूं, तुम्हारे चाचा ने तुम्हें बहुत बड़ा धोखा दिया था, उसने तुम्हें जेल भेजने का सौदा तो कर लिया था लेकिन तुम्हारी माँ का इलाज नहीं करवाया, मैंने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं, इट्स ओके, खुश रहो, थैंक यू, बाय। डैडी, नहीं डैडी, चरण, डैडी मैं चरण के बिना नहीं रह सकती, प्लीज डैडी। ऐसा मत कर चरण, मेरे लिए तू पहले भी जेल गया था, अब मेरे लिए अपने प्यार की कुर्बानी मत दे बेटा, ऐसा मत कर चरण, रोक ले उसे, मत जाने दे, वो तेरा प्यार है बेटा, रोक ले बेटा, मत जाने दे, वो तुझसे बहुत प्यार करता है। मैं उसे क्या वादा नहीं तोड़ सकता। नहीं माँ, मैं
सर आप ठीक तो है ना? दूर रहो, हाथ मत लगाओ। देखो चरण, मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम्हारे दिल में माँ के लिए कितना प्यार है मैं देख चुका हूँ। अब देखना यह है कि अपने प्यार की जान बचाने के लिए तुम क्या कर सकते हो। जाकर अपनी मंगेतर को बचाओ, जाओ। माँ तुम इनके साथ रहना। हाँ। लो बात करो। मट्टू बोल रहा हूं। साले तू कौन है बे टट्टू, और आया कहां से? चल अभी आया तो मिल ही लेते हैं, आजा। चली जाना, मुझे खुश कर दे फिर चली जाना। मुझे जाने दो। क्यों भड़क रही है? मुझे चरण से मिलना है। याद है ना? चरण, चरण, मुझे छोड़ दो, चरण। बस बस बस, छोड़ो। हाथ मत लगाओ। उस दिन तूने मुझ पर हमला क्यों किया रे? कोनी सुपारी दिली होती तुला तो क्या तू ही मुझे मारना चाहता था? यही ख्वाहिश है मेरी। कैसी ख्वाहिश? तेरे टुकड़े टुकड़े करके तेरे ही कुत्तों को खिला दूं। अरे बदला सूड, किस बात का बदला लेना चाहता है तू? क्या बिगाड़ा मैंने तुम्हारा? तुम्हारे खानदान का सत्यानाश किया क्या मैंने? मनुन तुझी सटक ली हर पर मेरा काम ही जैसा है ना। अरे बहुत खानदानों को खत्म किया है मैंने, तेरा वाला कौन सा था? जरा एड्रेस बिड्रेस बता, थोड़ा आइडिया मिल जाएगा। जवाब दे। तेरे सवालों का जवाब देना जरूरी नहीं, जरूरी है तुझे तड़पा तड़पा कर मारना। काय को मारेगा? ये मोटी चमड़ी ऐसा नहीं बोलेगा। मार साले। मारता हूँ उसको। और मार। मेरे पापा पूछ रहे, बता तू। ये मेरे पापा विलन है। बोल। जल्दी बोल। क्लाइंट से पहले बोलेगा कि नहीं? पापा ये बोला नहीं। क्यों आया बैंकॉक? ये शेर अपना शिकार ढूंढते हुए यहाँ आया है। अच्छा, ऐसे क्या घूर रहा है? शिकार को ऐसे ही घूरते हैं। मैं शिकार हूँ और तू कुत्ता होके खुद को शेर समझ रहा है? तू भूल रहा है कि मैंने तेरा शिकार करने के लिए तेरे को इधर बुलाया है। अब तेरे को जंगल में खुला छोड़ के कुत्ते की मौत मार दूंगा मैं। ए बिको, आज इस कुत्ते का शिकार करेंगे हम। पूरा जंगल तेरा है, भाग, अब निकल। पापा क्या कर रहे हो? इसने मेरी जो धुलाई की उसका क्या? अरे धुलाई तो अब इसकी होगी बिना वॉशिंग मशीन के। भागना संजना, चलो। पापा चले चल पड़े।
आज भाग रहे कुत्ते, हमें थम, पकड़ो साले को, चलो। अब दो घंटा मिलेगा, दो ही घंटा जा, ढूंढो साले को, उधर देख। देखो वहां पर, अरे इधर नहीं तो आगे चलो। उसे मत जाने दो, अब वो सबकी बजाएगा। अरे वो क्या हमारी बजाएगा, मैं उसका नासिक ढोल बजाऊंगा। ये तो वक्त ही बताएगा। तू क्या देख रहा है, चल चल। यहां चुप जा, चुप जा। जहां तक भाग सकता है भाग ले, क्योंकि अगर मेरे हाथ आ गया ना तो जान ले लूंगा। मार दो साले को।
छमिया खंडर में रमिया वस्तु अच्छा जंगल में मंगल मैंने कहा था ना हाथ आया तो जान ले लूंगा तुझे एक और मौका देता हूं जा भाग भाग अब जाकर आइडिया मिला तुझे कि किसका बेटा हूं मैं? नहीं, मुझे माफ कर दो। असली प्लेन उड़ाना आता है ना? जेल में ये सब नहीं सिखाया जाता। तो फिर कौन उड़ाएगा? तुम ससुर को फोन करके बोलो कि यहाँ एक पायलट भेजो। तुम्हारे ससुर हैं कौन? तुम्हारे डैडी और कौन? उन्होंने तो कहा था जाकर अपनी मंगेतर को बचा लो। वैसे काफी इमोशनल डायलॉग मारते हैं वो। चलो जल्दी फोन करो, भूख लग रही है।